अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये डायग्राम का प्रोजेक्ट 7 करने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपको जो सवाल या गिवन होती है स्टेटमेंट, उसको एक से दो मरतबा पढ़ना है। उसमें से हमने एंटिटीज को ढूंढना है और उनका रिलेशनशिप देखना है। बस बहुत ही ज्यादा आसान होता है और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। अगर इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो ईआर प्रोजेक्ट 7 ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये रिपीट हो जाता है। तो जल्दी से अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आ लेबोरेटरी हैज सेवरल केमिस्ट, तो यहाँ पर लेबोरेटरी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर है, यानी इसके अंदर जो जो हमारे पास एंटिटीज होंगी उसको हमने ढूंढना है। तो ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। हर वो चीज जिसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है उसे हम एंटिटी कहते हैं। और उससे भी ज्यादा आसान इस तरह से हो जाता है कि हमें सवाल के अंदर ही गिवन होता है, यानी एंटिटीज के रिलेटेड उन्होंने हमें एट्रीब्यूट बताए होते हैं कि इसके ये एट्रीब्यूट है, तो हमें पता चल जाता है ये क्या है, एंटिटी है। जैसे कि यहाँ पर एक केमिस्ट है तो इसके उसने एट्रीब्यूट बता दिए, तो एट्रीब्यूट से हमें पता चल गया ये क्या है, ये एक एक एंटिटी है जिसको हम रेक्टेंगल में लिख देंगे, कुछ इस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे उसके अंदर ये लिख देंगे। इसी तरह प्रोजेक्ट है तो उसके भी कुछ एट्रीब्यूट है तो उसको भी रेक्टेंगल में लिख देंगे। इक्विपमेंट है उसके भी एट्रीब्यूट है तो उसको भी क्या करेंगे, रेक्टेंगल में लिख देंगे। आपने एक से दो मरतबा लाजमी पढ़ना होता है ताकि अगर कोई एंटिटी मिस हो जाए तो हमें पता चल जाए। सबसे पहले आपने एक रफ अमल बनाना है, उसमें आपने ये ऐसे तीनों एंटिटीज बना देनी है। फिर अगला क्या स्टेप होता है, आपने देखना है कि रिलेशन कैसे बन रहा है। क्या बन रहा है जी, रिलेशन बन रहा है, और उस रिलेशन को आपने देखना है कि मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या है। ये तीन स्टेप होते हैं और आपका प्रोजेक्ट या आपका क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो कम्प्लीट हो जाता है। और अगर आपको यह डायग्राम अच्छे से नहीं आता तो इसकी मुकम्मल प्लेलिस्ट है, हर एक टॉपिक को मैंने अच्छे से डिटेल में कवर किया है, तो आप उधर से प्लेलिस्ट से दे सकते हैं और एक ही दिन में वो सारी प्लेलिस्ट को खत्म करें और अपना चैप्टर कवर करें और अपने लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर पक्के करें। तो जी हमें पता चल गया, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देख ली, एंटिटीज देख ली। ओके जी, तो हम सबसे पहले डायग्राम में जाएंगे और उधर से देखेंगे भाई कैसे हमें इस एंटिटीज को हमने शो करवाना। तो जैसे कि हमें पता था ये एक एंटिटी है केमिस्ट, एक प्रोजेक्ट है इसके रिलेटेड एट्रीब्यूट है, और एक इक्विपमेंट है इसके रिलेटेड एट्रीब्यूट है। और एक उसने हमें उस स्टेटमेंट में कहा है कि जब एक इक्विपमेंट एक केमिस्ट को असाइन हो रहा है तब असाइन डेट भी बताई जाए, तो इसका मतलब ये भी एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर ये भी असाइन क्या आ जाएगी, एक एंटिटी के तौर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर केमिस्ट है उनको प्रोजेक्ट भी असाइन हो रहे हैं, और जब प्रोजेक्ट असाइन हो रहे हैं तो उनके साथ इक्विपमेंट असाइन हो रहे हैं, और इक्विपमेंट असाइन के साथ हम असाइन डेट शो करवा रहे हैं क्योंकि ऐसा उन्होंने हमें कहा। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि केमिस्ट प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं और इनको इक्विपमेंट मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या है जी, इनको कैसे समझना है, इनको समझने में ही बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको मुश्किल नहीं होगी। और अगर आपने मेरी मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी वाली वीडियो देख रखी है तो फिर तो आपको इस प्रोजेक्ट को देखने की ही जरूरत नहीं थी, आपको समझ आ जानी थी पढ़ के कैसे यार प्रोजेक्ट डायग्राम ये बनाया गया। तो जल्दी से अब हम कहाँ पे जाते हैं, हम जाते हैं ऊपर वाली स्टेटमेंट में, एंटिटी के बाद रिलेशनशिप को देख। यहाँ पर उसने कहा केमिस्ट है हु वर्क ऑन वन और मोर प्रोजेक्ट, यहाँ पे केमिस्ट है जो एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो केमिस्ट है उनका प्रोजेक्ट के साथ क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है। केमिस्ट आल्सो मे यूज सर्टेन काइंड ऑफ इक्विपमेंट, अब वो इक्विपमेंट को भी यूज कर रहा है, तो इक्विपमेंट भी क्या आ जाएगा, इनके साथ रिलेशन में आएगा। ऑन ईच प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट के साथ इक्विपमेंट है जो कौन यूज कर रहा है, केमिस्ट यूज कर रहा है, और केमिस्ट काम किस पे कर रहा है, प्रोजेक्ट पे, यानी जो केमिस्ट है वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट पे काम करने के साथ वो कुछ ना कुछ यूज कर रहा है जिनको हम इक्विपमेंट यानी आलात को यूज कर रहा है प्रोजेक्ट के दरमियान। तो यहाँ पर उसने पहले एट्रीब्यूट बताया जो कि हमने देखा कि एट्रीब्यूट को हम शो करवा देंगे ओवल में, इसी तरह प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट बता दिए और इक्विपमेंट के भी बता दिए। द ऑर्गेनाइजेशन विश टू रिकॉर्ड असाइन डेट द डेट व्हेन एन इक्विपमेंट आइटम वाज असाइन टू पार्टिकल केमिस्ट वर्किंग ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, उसने कहा कि एक केमिस्ट है जब वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम करता है तो उसको इक्विपमेंट असाइन होता है, लेकिन कंपनी की विश है कि जब इक्विपमेंट असाइन हो रहा है तो उस असाइन डेट भी उसके साथ मेंशन की जाए कि कब वो इक्विपमेंट असाइन हुआ। इतना क्लियर है। उसके बाद केमिस्ट मस्ट बी असाइन, मस्ट भी जहां पे आ जाए तो इसका मतलब होता है कि मिनिमम कार्डिनैलिटी वन होगी। फिर से सुनिएगा, मस्ट भी जहां पे आ जाए उसका क्या मतलब है, मिनिमम कार्डिनैलिटी वन होगी, यानी मिनिमम रिलेशनशिप कितना होगा, एक वन होगा। मस्ट बी असाइन एट लीस्ट वन प्रोजेक्ट, यहाँ पे केमिस्ट है वो मस्ट बी असाइन एट लीस्ट, उसने कहा कम से कम एक प्रोजेक्ट को तो असाइन होना ही चाहिए, एंड वन इक्विपमेंट, और एक इक्विपमेंट को भी असाइन होना चाहिए। कौन, केमिस्ट जो काम कर रहा है ना, अब जो इक्विपमेंट है वो केमिस्ट उसको भी असाइन होगा और प्रोजेक्ट को भी असाइन होगा।
अब दूसरी बात करेंगे, इक्विपमेंट आइटम नीड नॉट बी असाइन एंड अ गिवन प्रोजेक्ट नीड नॉट बी असाइन। यहाँ पे उसने कहा कि जरूरत नहीं भी है, जरूरत नहीं भी है हो भी सकती है, तो इसका मतलब मिनिमम कार्डिनलिटी जीरो है, हो सकता है कि जरूरत ना ही पड़े। तो एदर अ कमिस्ट और ना इक्विपमेंट, तो यहाँ पर उसने प्रोजेक्ट की बात की कि हो सकता है वो कमिस्ट को ना जरूरत पड़े और इसी तरह इक्विपमेंट की भी जरूरत ना पड़े। तो अब हम डायग्राम में जाके समझ लेते हैं तो आपको अच्छे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने तीन से चार एंटिटीज थी उनको ढूंढा और हमने उनको एक रेक्टेंगल में शो करवा दिया। फिर हमें गिवन थे इनके एट्रीब्यूट, उनको हमने ओवल में शो करवा दिया। कोई है मुश्किल, बच्चों वाली गेम है सारी, बच्चों की तरह समझे समझे, आपके पास एक गेम है, आपने इस लाइन में से एक डायग्राम बना के देनी है बस। ओके जी, उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने रिलेशनशिप देखना होता है। हमें पता है कि जो केमिस्ट है वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उस वक्त उसे कोई ना कोई इक्विपमेंट असाइन होता है, तो जब वो असाइन हो रहा है तो उसकी असाइन डेट आपने मेंशन कर देनी है। तो हमें रिलेशनशिप का पता चल गया कि केमिस्ट किस किस के साथ रिलेशनशिप में है, प्रोजेक्ट के साथ और इक्विपमेंट के साथ। उसके बाद उसने कहा था कि एट लीस्ट वन केमिस्ट असाइन टू द प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट, यानी इक्विपमेंट को कम से कम एक केमिस्ट तो असाइन होना ही चाहिए कम से कम, और ज्यादा कितना हो सकता है, मैनी हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरह अगर प्रोजेक्ट की बात की तो उसने कहा कि हो सकता है कि जरूरत ना हो, और इसी तरह उसने कहा कि हो सकता है इक्विपमेंट की भी जरूरत ना हो। तो इनकी मिनिमम कार्डिनलिटी जीरो होगी और मैक्सिमम मैनी होगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा से वीडियो समझिएगा, आपको समझ आ जाएगी। और मिनिमम कार्डिनलिटी और मैक्सिमम कार्डिनलिटी वाला टॉपिक लाजमी से देखिएगा, सिर्फ आपको ये डायग्राम में से एंटिटीज ढूंढ के एट्रीब्यूट लिख के ही नंबर नहीं मिलने, आपको मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी की समझ होनी चाहिए। मिनिमम का मतलब है कम से कम रिलेशनशिप कितना हो सकता है, और मैनी मैक्सिमम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर केमिस्ट का था एट लीस्ट वन, तो उसको हमने इस वन से शो करवाया, और जहां पर जरूरत नहीं थी उसको मिनिमम कार्डिनलिटी को जीरो के साथ शो करवा दिया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।